उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 7 और 8 अगस्त को जनपद में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। 8 अगस्त को 2 पालियों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा संपन्न हुई। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक, जबकि दूसरी पाली 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित थी। इस संबंध में एडीएम वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा जनपद के कुल 10 केंद्रों पर सकुशल संपन्न हुई। परीक्षा को शांतिपूर्वक एवं नकल विहीन बनाने के लिए स्टैटिक मजिस्ट्रेट और फ्लाइंग स्क्वाड टीम को लगाया गया था। परीक्षा में कुल 9,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। इस मौके पर अभ्यर्थियों ने बताया कि पेपर तो आसान था, लेकिन मेरिट हाई जाने का डर है। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अभ्यर्थी सत्यप्रकाश सिंह, अजय प्रताप, नरेंद्र निर्मला यादव, डॉक्टर वीरभद्र त्रिपाठी एवं साधना और एडीएम वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार सिंह ने कहा। सत्यप्रकाश सिंह, किस तरह के पेपर आए थे? पेपर ठीक रहा है, कुछ टफ था, फिर भी बढ़िया रहा है। अजय प्रताप का है, किस तरह पेपर आया? ठीक ठाक पेपर था, मिला जुला के अच्छा पेपर था। नरेंद्र, किस तरह पेपर आया? बहुत कठिन था, हमारा बहुत टफ आया, कठिन था पेपर। आपका पेपर टफ आया? निर्मला यादव, किस तरह पेपर आया? पेपर तो अच्छा आया था, पेपर कोई टफ नहीं था, लेकिन मतलब बच्चे थोड़ा घबरा ज्यादा गए थे, लेकिन पेपर अच्छा हुआ। डॉक्टर वीरभद्र त्रिपाठी, किस तरह पेपर आया? पेपर बहुत अच्छा बना था, सरल बना था और सही था, मेरिट जाएगी, अच्छी जाएगी। मेरा नाम साधना है। किस तरह का पेपर आया था? पेपर थोड़ा टफ था, हर साल के अपेक्षा इस साल थोड़ा टफ था पेपर, जो मतलब दोहे वगैरह थे ज़्यादा ही थोड़ा टफ थे, तो लेकिन ठीक भी थे, ऐसी बात नहीं है। आज TGT का पेपर था, कल और आज था, और हमारे यहाँ 10 केंद्र थे, लगभग 9,000 परीक्षार्थी थे। प्रत्येक केंद्र के लिए स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगे हुए थे और साथ में हमारा फ्लाइंग स्क्वाड भी था। हमारे जनपद में कहीं पर भी नकल की कोई सूचना नहीं, पूर्ण जो TGT का एग्ज़ाम है वो नकल विहीन रहा है। आज सायंकाल जो भी हमारे पास एंसर शीट थी, मजिस्ट्रेट और पुलिस की निगरानी में उनके साथ इलाहाबाद के लिए रवाना कर दी जाएंगी।